अरसा हुआ शाज ही कभी रात को नींद आई है, मगर कल बड़ी गहरी आई। फजर से पहले अरशद शरीफ को अपने गांव में देखा, वहीं जहां बचपन से हर शाम गांव के हर बड़े और बच्चे को इकट्ठे होकर हंसते खेलते देखा है। जीन्स के साथ ड्रेस शर्ट, हाथ में कैमरा और चेहरे पर मुस्कुराहट, वही मखसूस मुस्कुराहट। मैं जानता हूं वो हयात नहीं, मैं जानता हूं लौट कर भी नहीं आना, फिर भी बताने लगा हूं जग बीती भी और आप बीती भी। बहुत लंबा हो गया अरशद भाई, अब याद नहीं मेरी आवाज में क्या था, शिकवा या थकन। नींद गहरी थी तो थकन ही होगी, शिकवा भला क्या होना था एक ऐसे शख्स से जिसने अपने पर वाजिब फर्ज से बढ़कर कर्ज अदा किया, शिकवा भी क्या होता। हां लंबा हो गया है मगर काम तमाम हो गया है। वही मुस्कुराहट, लोग कहते हैं इस पहर के ख्वाब सच्चे होते हैं। आज से पहले नहीं मालूम था, आज जागा तो जाना कितने सच्चे होते हैं। सुबह के ख्वाब जैसी एक मुस्कुराहट के साथ एक दिन मेरे सामने फोन कान से लगाए किसी को संभलने की तलकीन की थी। नगमे भी हमारे हो जाएंगे, बयानिए भी और कौम भी, तुम्हारे पास सिर्फ एक डंडा रह जाएगा। लाजिम था कि इस दावे की तकमील भी मेरे सामने होती। एक जमाना था एक सहीफे के बराबर तौकीर होती थी लफ्जों की, एक जमाना है बच्चा बच्चा बखी उधर रहा है, एक जमाना था कहा हर्फ आखिर होता है, एक जमाना है कि धोस धमकी तरला वास्ता सब करके देख लिया कोई मान के नहीं दे रहा। कब से तकिए से टेक लगाए देख रहा हूं, सोच रहा हूं, दोहरा रहा हूं, काम तो वाकई तमाम हो गया। वाह अरशद भाई, किसको पता था लहद में आपको उतारा था मगर मिट्टी किसी और पर डाली थी। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे मीर जाफर हैं और पूरी कौम को पता है कौन कौन मीर जाफर मीर सादिक का किरदार अदा करता रहा, और आइंदा आने वाले दिनों में ये सारे नाम मजीद भी खुलेंगे।